हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर। तो गाइस, जो हम ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना, सम स्टूडेंट्स कॉल इट सिक्योरिटी एनालिसिस। तो जो स्टूडेंट्स ने ये सिक्योरिटी एनालिसिस नाम से चैप्टर कवर करा होगा, कि जो ये पूरा चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, तो गाइस इसमें उन्होंने ना दो पार्ट कवर करे होंगे, पहला बॉन्ड एंड दूसरा इक्विटी, है ना गाइस? पहला बॉन्ड और दूसरा इक्विटी। तो गाइस देखते हैं, और जो कुछ स्टूडेंट्स ने बॉन्ड को अलग करा होगा, इक्विटी को अलग करा होगा, उन्हें सिक्योरिटी एनालिसिस का चैप्टर का नाम ही नहीं पता होगा। और बिल्कुल ठीक सी बात है, जो हमें जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हम तो वही सीखेंगे ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों मेथड गाइस बिल्कुल ठीक है इसको सॉल्व करने के लिए। सो गाइस, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम जो है ना अलग अलग ही इसको करने वाले हैं, ताकि जो बच्चों ने इकट्ठा भी करा हुआ है ना, वो भी उनको भी कंफर्टेबल रहेगा जब वो हम अलग अलग करेंगे। तो गाइस, हम इसका ना कंसेप्ट तो अलग अलग करेंगे, जैसे हम पहला चैप्टर बॉन्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन होगा क्या गाइस, जब हम बॉन्ड स्टार्ट करेंगे ना, तो बॉन्ड का जब हम प्रैक्टिस, जैसे हम अपने फॉलो करते आ रहे हैं अपनी अप्रोच, पहले हम कंसेप्ट कवर करते हैं और फिर हम जो है प्रैक्टिस पीएम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में जो प्रैक्टिस मैनुअल में चैप्टर दिया हुआ है, वो सिक्योरिटी एनालिसिस के नाम से चैप्टर दिया हुआ है, विच इंक्लूड्स बोथ बॉन्ड एंड इक्विटी एज वेल। तो हम अलग अलग तो पीएम को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम कंसेप्ट्स को ना अलग अलग अपनी जो पार्ट्स में डिवाइड कर और पीएम से फिर हम इकट्ठा इसको कवर करेंगे। सो गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, बॉन्ड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, एंड तो आप देखते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि जो बॉन्ड वैल्यूएशन है ना, बॉन्ड वैल्यूएशन इज ए डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एक्सरसाइज। जो बॉन्ड वैल्यूएशन है इज ए डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एक्सरसाइज। सो पहला पॉइंट हमने ये देखा, जो बॉन्ड वैल्यूएशन है वो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एक्सरसाइज। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग? नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एक्सरसाइज? उसके लिए आपको समझना होगा पॉइंट नंबर टू। तो देखते हैं पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है गाइस। सपोज हमें ना प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना है, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास फेस वैल्यू गिवन है बॉन्ड की 1000, कूपन रेट गिवन है 12%, और YTM, ओ माय गॉड, YTM क्या बोल दिया मैंने, YTM 14% गिवन है। तो गाइस अभी YTM के ऊपर नहीं जाएंगे, YTM को एज अ आर ही एज्यूम करेंगे, कि जैसे इंटरेस्ट रेट होता है वैसे कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, YTM हम अलग से समझेंगे YTM होता क्या है। बट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मेरे को ये चाहिए था, इसलिए मैंने लिया। तो गाइस अभी हमारे को क्या निकालना है, प्राइस ऑफ बॉन्ड। और एक चीज मैंने ऊपर और बताई थी कि ये जो है ना डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एक्सरसाइज है। तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो एक्सरसाइज का मतलब गाइस कि जितने भी फ्यूचर आउटकम्स होने वाले हैं ना, जितने भी फ्यूचर आउटकम्स, प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर आउटकम्स, और वी कैन से फ्यूचर इनफ्लोज। जितने भी फ्यूचर में इनफ्लोज होने वाले हैं ना हमारे को उस पर्टिकुलर बॉन्ड से, उसको हम बोलते हैं गाइस कि उनको जब हम डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू उनकी निकाल कर, जैसे मान लो अब हमारे को कूपन रेट है ना हर साल 12% पर एनम है, ठीक है गाइस, और मैच्योरिटी है बॉन्ड की, मैच्योरिटी 5 साल तक है, तो हर साल हमारे को 12% कूपन रेट मिलेगा हर 5 साल।
एक साल यहाँ पर कूपन रेट मिला, इस डेट को कूपन रेट मिला, फिर इस डेट को कूपन मिला, फिर इस डेट को कूपन मिला, फिर इस डेट को कूपन मिला। तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, जो इस डेट को कूपन मिले ना हमारे को, जो इस डेट को जो कूपन मिले, उन कूपन्स को प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उनको खींच कर हम आज की डेट पर लेकर आने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, उन कूपन्स को खींच कर यहाँ लेकर आने वाले हैं, यहाँ लेकर आने वाले हैं। तो गाइस जब हम YTM जो यू नो कूपन रेट है हमारे, उनको YTM से डिस्काउंट कर देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा प्राइस ऑफ बॉन्ड। ठीक है गाइस, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो इस केस में कैसे प्राइस ऑफ बॉन्ड आएगा, यू नो कूपन रेट हम यहाँ पर लिखेंगे, कूपन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, फिर यहाँ पर लिखेंगे YTM और यहाँ पर लिखेंगे N, जितने नंबर ऑफ ईयर्स, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यू नो रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू गाइस PVAF और PVIF में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ना, है ना, आपको पता भी होगा मेरे हिसाब से, तो आपको पता होगा PVAF और PVIF में क्या डिफरेंस है। गाइस ये एन्यूटी फैक्टर है, एन्यूटी फैक्टर मतलब जैसे 5 सालों का ना, मैं आपको कैलसी पर एक बार कर दिखाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम होगी, बाकी सबको क्लियर होगा। सपोज मैंने यू नो 10% मेरा YTM है, सिंपल रखते हैं 10% मेरा YTM है, तो मैंने 1.1 लिखा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैं आपको और सिंपल करके दिखाता हूँ, 10 / 100, 1 आया। ठीक है, तो गाइस यू नो 10 / 100 प्लस 1 आया ना, ये हमने क्या करा, सबसे पहले 10% हमारा YTM था, 10% हमारा YTM था, तो हमने 10 को 100 से डिवाइड करा, ये आया 0.1, प्लस 1 कर दिया हमने, 1.1 आ गया हमारे पास। अब हम ये सीख रहे हैं हम प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो मेरे साथ साथ देखेंगे, इसको 2 बार प्लस करना है, डिवाइड, फिर इज इक्वल टू पे आ जाना है आपने, इज इक्वल टू दबाया 1, फिर मेमोरी दबा दीजिए, फिर 2, फिर मेमोरी, फिर 3, फिर मेमोरी, फिर 4, फिर मेमोरी, फिर 5, फिर मेमोरी। अब 5 बार का जो हमने यू नो डिस्काउंट फैक्टर मेमोरी में, अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। अब मैं मेमोरी करूंगा क्लियर, मेमोरी मैंने जब क्लियर करी गाइस, ये आंसर आया 3.790786, जो भी है 3.79 हम याद रखेंगे, 3.74 डिजिट तक याद रखते हैं, 3.7908। तो 3.7908 ना हमारा, 3.7908 हमारा 5 सालों का एन्यूटी फैक्टर 10% के हिसाब से आ गया। यानी कि अगर हमारे को लेट सपोज जो कूपन मिलने वाला है, जो कूपन हमारे को मिलने वाला है, वो 10,000 रुपये पहले साल, फिर 10,000 रुपये दूसरे साल, फिर 10,000 रुपये तीसरे साल, 10,000 रुपये फोर्थ साल, 10,000 रुपये फिफ्थ साल। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम पागल नहीं है कि इनको एक एक करके, इसको एक एक करके लेकर आएंगे, खींच के हमारी प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर में हम इन सबको इकट्ठा खींच कर, एक ही बार में, एक ही झटके में यहाँ ले आएंगे, हम ये करने वाले हैं गाइस। तो इसके लिए जो फैक्टर यूज होता है वो एन्यूटी फैक्टर यूज होता है, ये वाला। तो आई होप ये समझ गए होंगे, और इसी के साथ आप प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना समझ गए होंगे। प्राइस ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर आउटकम्स डिस्काउंटेड एट YTM और RE। ठीक है गाइस, उससे हम यू नो सॉरी RE नहीं यूज करेंगे गाइस, RE कब यूज करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम इसमें डिस्काउंट किससे करेंगे, YTM से, यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM का मतलब अभी हम समझेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन YTM एंड RE, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन YTM एंड RE, तो वो हम आगे देखेंगे गाइस। तो हमने अभी तक प्राइस देखा, अब बारी आती है गाइस, बारी आती है इंट्रिंसिक वैल्यू की। बारी किसकी आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू की। अब इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अंदर की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है गाइस अंदर की वैल्यू, है ना,
उसकी बॉन्ड की एक्चुअल कीमत क्या है। तो गाइस उसके लिए हमारे को आरई चाहिए होता है, आरई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमारे को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत होती है। YTM की जरूरत कहां पर होती है, YTM की जरूरत कहां पर होती है, वाइल कैलकुलेटिंग प्राइस, है ना गाइस, वाइल कैलकुलेटिंग प्राइस हमें YTM की जरूरत होती है, लेकिन RE कैलकुलेट सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हमें RE की जरूरत होती है। सो अब समझते हैं व्हाट डू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। सो इट शुड बी द इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी इंटरप्रेटेड एज शुड बी प्राइस जो प्राइस होना चाहिए उस बॉन्ड का। सपोज हमारा जो जो एग्जाम्पल लिया था ना हमने पीछे, फेस वैल्यू हमारा 1000 रुपीज है, कूपन रेट 12% है और आरई दिया हुआ है हमारे को लेट सपोज 14% और एन दिया हुआ है सपोज 3 इयर्स। ठीक है गाइस, हमारे को क्या निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, ये आरई क्या होता है पहले तो मेरे को ये बताओ आरई क्या होता है गाइज। ये होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो मार्केट में जो कंडीशंस चल रही है ना, मार्केट में जो कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स जो हैं रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपनी एक डिमांड रेज करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से कि आपकी कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होगा, तो गाइस आप ये समझ गए होंगे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हम आरई को ही क्यों यूज करते हैं, वाईटीएम को यूज क्यों नहीं करते। बिकॉज गाइस आरई होगा क्या, जब हम अपने कैश आउटफ्लोज को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, रिक्वायर्ड जितनी हमारे को चाहिए उस रेट ऑफ रिटर्न से जब हम डिस्काउंट करेंगे ना, तो एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए जो होनी चाहिए एज पर मार्केट मार्केट एक्सपेक्टेशन और सब कुछ, तो वो आरई से डिस्काउंट करने पर ही निकलेगी। तो सेम इसमें भी आपका तरीका होगा जो हमने प्राइस में देखा है, यानी कि कूपन इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, बस यहाँ पर आरई आएगा और यहाँ पर एन आएगा, फिर रिडेम्पशन वैल्यू और पीवीआईएफ, फिर यहाँ पर आरई आएगा और यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पे पीवीआईएफ, यहाँ पे पीवीआईएफ। तो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी भी सीखी। अब गाइस इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के 3 मेथड हैं हमारे पास। सबसे पहले परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है गाइस बताइए, परपेचुटी सुना है गाइस, परपेचुटी कि आज मैंने पैसा लगा दिया अब सालों तक हजारों करोड़ों सालों तक मेरे को पैसा आता रहेगा। वो होता है गाइस परपेचुअल बॉन्ड, आता रहेगा, कूपन आता रहेगा, ये होता है परपेचुअल बॉन्ड। फिर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है बताइए। उसके बाद प्लेन वनीला बॉन्ड क्या होता है, ओ माय गॉड मैं आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ क्या यहाँ पर, बताइए जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। जीरो कूपन बॉन्ड होता है गाइस हमारे को सपोज मैच्योरिटी पीरियड जो है ना वो है हमारा 5 साल का। मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 5 साल का, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड कितना है, 5 साल का, ठीक है। हमें क्या करना है, जो 5 साल तक ये बॉन्ड हमारे पास रहेगा ना, कंपनी हमारे को एक पैसा नहीं देगी कूपन का, एक पैसा, सिंगल इवन ए सिंगल पेनी द कंपनी इज नॉट पेइंग अस इन द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड।
होगा क्या, यहाँ पर हमने पैसा लगाया, यहाँ पर हमारे को पैसा बैक मिल जाएगा, लेकिन जो बैक सपोज 100 रुपये लगाया ना, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के सपोज यहाँ पर हमारे को 300 रुपये मिल जाएगा, 300 रुपये मिल जाएगा। तो अगर हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो गाइस, अगर हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो बहुत आसान है, 300 को 1+i करके जितना भी साल है, सपोज 5 साल थे तो इसको ऐसे निकाल लेंगे हम। इसमें हमें दो दो चीज़ें जो हम वहाँ पर करते थे PVAF PVIF वो दोनों चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है। और प्लेन वनीला बॉन्ड क्या होता है, नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल इन द सेंस कि कूपन भी आता, कूपन हर साल कूपन आता रहेगा और लास्ट में रिडेम्पशन आता रहेगा। उस केस में आप PVAF कूपन के लिए यूज करेंगे और PVIF आप अपनी रिडेम्पशन वैल्यू के लिए यूज करेंगे। आई होप कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर एकदम हो गया होगा। तो गाइस अब बात करेंगे बॉन्ड यील्ड की। मैं आपको बोल रहा था ना अभी आप थोड़ा YTM के लिए वेट कीजिए, अब वो टाइम आ गया है। तो YTM क्या होता है, क्वेश्चन उठता है YTM होता क्या है यार, बॉन्ड यील्ड होती क्या है। तो इसके लिए दो लाइनें मैं आपको लिखूंगा गाइस, वो दो लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी अगर आप उसको दिमाग में बिठा लेंगे तो कभी आप बॉन्ड यील्ड में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लिखना स्टार्ट कीजिए, इट मीन्स इफ वी बाय बॉन्ड एट P0 what return do we expect to earn, what return do we, अगर मैंने 100 रुपये आज अब किसी पर्टिकुलर किसी भी लगा लो, मैंने गोल्ड खरीदा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का मैंने गोल्ड खरीदा, तो उस गोल्ड से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कितना रिटर्न मेरे को देगा, डेट इज कॉल्ड YTM yield to maturity, यानी कि यील्ड मतलब रिटर्न और मैच्योरिटी मतलब जब तक उसकी बॉन्ड की मैच्योरिटी चलती है उस टाइम तक का yield to maturity, yield return from the date of buying the particular you know asset till the date its maturity, what we are expecting to earn, that is called YTM। ठीक है guys, तो इसमें YTM जो होती है, सबसे पहला आता है करेंट यील्ड, वो बहुत सबसे ज्यादा जो नॉर्मल यील्ड है लेमेन को जो समझ में आती है वो करेंट यील्ड ही समझ में आती है। करेंट यील्ड मतलब कूपन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। फिर सेकंड गाइस प्लेन वनीला, इसके लिए फॉर्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, YTM इज इक्वल टू I+F-P डिवाइडेड बाय N, F+P डिवाइडेड बाय 2। I क्या होता है गाइस, कूपन अमाउंट, F क्या होता है रिडम्पशन प्रोसीड्स। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P क्या होता है गाइस, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। I हो गया, F हो गया, P हो गया सब कुछ, N रह गया, N इज इक्वल टू मैच्योरिटी। तो ये प्लेन वनीला बॉन्ड होता है। और इसके अलावा कोई भी अदर बॉन्ड के लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो टेक्निक होती है आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो टेक्निक, उसके लिए हम ये वाला पर्टिकुलर यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं गाइस, एक कंसेप्ट आता है, हालांकि कम यूज में है वो, लेकिन फिर भी आता है तो एक बार उसे देखते हैं, पुल टू पार इफेक्ट। इसके लिए दो लाइनें लिखेंगे, इफ मार्केट इंटरेस्ट रेट दैट इज बॉन्ड यील्ड रिमेन सेम एंड वी अप्रोच मैच्योरिटी बॉन्ड प्राइस विल टेंड टू डिक्लाइन। गाइस क्या कहता है ये, कि अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट सेम रहता है
और हम जैसे सपोज कीजिए बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड था 5 साल का, 1, 2, 3, 4, 5, और जो आरी है ना, आरी 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 जो मार्केट से डिसाइड होता है, वो हो सकता है कि 1 साल में 2 बार भी चेंज हो जाए। क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कि आरी जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, तो हो सकता है वो 1 साल में 2 बार भी चेंज हो जाए, और हो सकता है वो 5 सालों में चेंज ही ना हो, 5 सालों में वो आरी ही चेंज ही ना हो, सेम रहे। तो गाइस वो कहता है कि जैसे 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 हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे ही ना, वैसे पैसे ही ना, बॉन्ड का हमारा प्राइस, बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन होता जाएगा, बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन होता जाएगा। गाइस मेरे को बताइए क्यों होता जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए गाइस, कॉमन सेंस लगाइए प्लीज। अगर जैसे ही हम, अगर रेट ऑफ रिटर्न सेम रहता है एंड वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स मेच्योरिटी, व्हाई द बॉन्ड प्राइस शुड स्टार्ट डिक्लाइनिंग, गिव मी द रीजन गाइस। गाइस रीजन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे जो कैश आउट, कैश इनफ्लोज है ना, वो कम होते जाएंगे। अगर हम यहाँ पर आ गए तो कैश इनफ्लो हो जाएंगे 4, फिर यहाँ पर आ गए तो कैश इनफ्लोज हो जाएंगे 3, यहाँ पर आ गए तो कैश इनफ्लोज हो जाएंगे 2। तो जब हमारे 2 कैश इनफ्लोज आने वाले हैं तो ऑब्वियसली बॉन्ड का प्राइस तो कम हो गई ना गाइस। कोई इंसान पागल थोड़ी है, पागल थोड़ी है जो उसी सेम प्राइस पर आज 3 साल बाद, जब 3 साल बाद आप उस बॉन्ड के ऊपर ब्याज जो है खा चुके हैं, आप अपना पेट 3 सालों तक उस ब्याज से भर चुके हैं, अब आप उस पर्टिकुलर बंदे को जो आपसे बॉन्ड लेने वाला है उसको बोलते हैं कि भैया सेम प्राइस पर मैं आपको अभी भी दूंगा, तो गाइस वो नहीं लेगा, नहीं लेगा वो। तो ये होता है पुल टू पार इफेक्ट। जैसे एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस शुड स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो ये होता है पुल टू पार इफेक्ट। नाउ रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड प्राइस और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या यू नो रिलेशन है, तो देखते हैं गाइस। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस, there is an inverse relation between bond price and interest rate, ठीक है guys, इन दोनों के बीच में inverse relation है, relationship is not linear, it is convex to origin, तो guys क्या मतलब है इसका समझते हैं। जो हमारा बॉन्ड प्राइस है ना और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन है, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आज इंटरेस्ट रेट हमारा चल रहा है 10%, आज हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, और बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपये और कूपन रेट दे रही है बॉन्ड 12%। गाइस ध्यान से इस तीनों चीजों को देखेंगे, इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में 10%, इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है 10% और हमारा कूपन रेट चल रहा है 12%, कूपन रेट चल रहा है 12%। और एक चीज और लिखनी पड़ेगी हमें यहां पर, चलो कूपन रेट हो जाएगा, ठीक है गाइस, कूपन रेट हमारा चल रहा है 12% और इंटरेस्ट रेट है 10%, इंटरेस्ट रेट है 10%। तो गाइस जो बंदे, अब देखिए दो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, इन पर्सन्स के पास क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, मेरे को पेन चेंज करने दीजिए, वेयर इज माय पेन, वेयर इज माय पेन, ब्लू पेन, ब्लू पेन, ब्लू पेन, चलो इसी से काम चलाते हैं। इन पर्टिकुलर पर्सन्स के पास बॉन्ड है और इनके पास क्या है, इनके पास यू नो ये मार्केट में बैठे हैं,
लेट सपोज ये मार्केट में बैठे हैं, बैंक में पैसा लगाकर बैठे हैं, बैंक में ये यू नो कैसे 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 समझें, इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है पैसे, सिंपल रखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ गाइस, जो बॉन्ड है, बॉन्ड तो हमारे को फिक्स कूपन रेट देता जाएगा 12%, लेकिन मार्केट का रेट हमेशा चेंज कॉन्टिन्यूसली ये चेंज होता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा, लेकिन बॉन्ड पे हमारे को फिक्स 12% का रेट मिलेगा। तो गाइस कोई बंदा पागल थोड़ी होगा यार कि बॉन्ड पे जो एक बार पैसा लगा के फिक्स, अब मान लो यहाँ पर जो मार्केट में रेट है 14% हो गया है, ठीक है, मार्केट में रेट 14% हो गया, लेकिन बॉन्ड अभी भी जो है हमारे को रेट दे रहा है 12%। तो यार आप खुद सोचो, एवरीवन, एवरी रैशनल पर्सन इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी इज इंटरेस्टेड, यू नो इट्स मूविंग टुवर्ड्स यू नो गेनिंग मच एंड मच मच एट लो कॉस्ट, सो उसको ज्यादा पैसा कमाना है कम पैसा लगाकर, तो वो क्या करेगा गाइस, बॉन्ड यहां से बेचना स्टार्ट कर देगा। ध्यान से सुनते जाना, पूरी कहानी बनाऊंगा, सिनेरियो बनाऊंगा, एक आपके दिमाग में पिक्चर फिट करूंगा, ध्यान से सुनते जाना। क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बार बताता हूं, हुआ क्या, बॉन्ड का कूपन रेट फिक्स है 12% और मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है ना वो 14% चल रहा है। अब होगा क्या गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से लोग ना इसको विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, विड्रॉ यानी सेल करना शुरू कर देंगे बॉन्ड को सेल करना शुरू कर देंगे। होगा क्या, बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन हो जाएगा। गाइस आपको पता होगा, हमने एक चैप्टर करा था सीबीआईसीडीआर, उसमें हमने ग्रीन शू ऑप्शन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम अपने प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे उसका ग्रीन शू ऑप्शन का यूज करते हैं। तो उसमें भी क्या होता था कि जैसे ही हमारा इशू को जैसे थोड़ा टाइम होता था तो हमारा जो प्राइस है वो गिरना स्टार्ट हो जाता था। तो ये कब गिरता है, जब या तो सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो हमारा प्राइस जो है गिरने लग जाएगा। अब यहाँ पर ये सेम चीज़ देखिए, सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, सप्लाई ज़्यादा होगी, खरीदने वाले ये बंदे क्या इसको खरीदेंगे, कतई नहीं खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन होगा। तो तभी कहते हैं जैसे जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे बॉन्ड का प्राइस घटता है। एक बार दोबारा करेंगे मेरे साथ साथ, जैसे जैसे बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड का प्राइस कम होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप इन बोथ बिटवीन यू नो इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, जैसे मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, और जैसे ही मार्केट का इंटरेस्ट रेट कम होगा बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। इसको हम कवर करते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।